और ये सरकार जो प्रदेश में 5 साल में थी, इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार प्रदेश में आज तक नहीं थी। इन्होंने डबल इंजन की बात करी मगर कोई भी काम प्रदेश में 5 साल में नहीं हुआ है। मोदी कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, वो हाईलाइट कुछ नहीं है, मतलब काम क्या करा है, क्या उन्होंने क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने बताइए, आप बताइए। मोदी जी का पजामा भी नहीं पहनना आता था उनको। जब विकास कार्य किए होते तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगने की आवश्यकता ना होती। 68 कांग्रेस 60 बीजेपी सैंपल दे दिया सरकार ने, सिर्फ बेचा ही है जो भी संपत्तियां बनी है। मोदी जी बोल रहे थे ना कि गरीबी हटा देंगे, जब गरीबी हटा दिया उन्होंने तो गरीबी कहां से रहे। बीजेपी ब्रिटिश जनता पार्टी है ये। नमस्कार, देखिए मैं इस वक्त टुटू विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ प्रत्याशी भी आ गए हैं यहाँ पे। एक मिनट बात कर लेते हैं, मंत्री से बात करनी थी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका नेशनल स्तर पे। थैंक यू। अच्छा, क्या वादे लेके इस बार जनता के सामने जा रहे हो आप? जो हमने परफॉर्मेंस दिया है, हाँ जी, पिछले 5 साल में 100 करोड़ रुपीज का विकास करवाया है। क्या क्या करवाया आपने 100 करोड़ रुपीज में? MLA प्रायोरिटीज में रोड्स बनाई है, सामुदायिक भवन बनाए हैं, एम्बुलेंस रोड बनवाई है, अच्छा। महिला मंडल युवक मंडल के सड़कों का निर्माण करवाया है, भवनों का निर्माण करवाया है और बहुत से और कार्य करवाए हैं। इसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास उपलब्ध है और हमने लोगों को भी दिया है और भविष्य में 5,000 नई नौकरियां हिमाचल प्रदेश शिमला ग्रामीण में पैदा करेंगे। अच्छा, शिमला ग्रामीण में आप? अच्छा, देखिए नरेंद्र मोदी जी अभी शिमला में, माफ कीजिएगा, हिमाचल में ही थे। उन्होंने अपनी रैली में कहा है कि अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप लोग काम नहीं करने देते हो, क्या कहोगे उनको? प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आते हैं, हिमाचल से चले जाते हैं, मगर ये चुनाव जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के और प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर लड़ा जा रहा है। और ये सरकार जो प्रदेश में 5 साल में थी, इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार प्रदेश में आज तक नहीं थी। इन्होंने डबल इंजन की बात करी मगर कोई भी काम प्रदेश में 5 साल में नहीं हुआ है। तो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इस बार रिवायत तोड़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने बहुत बहुत सारे राज्यों में ऐसी रिवायतें तोड़ी हैं, उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, हिमाचल जैसे जो टूरिज्म डिपेंडेंट राज्य है उनमें तो तोड़ी जा सकती है ना ये प्रथा, कि जब हर बार जो है सत्ता बदल जाती है। यहाँ पे प्रथाएं नहीं बदलती, परंपराएं नहीं बदलती, ये देवभूमि है। अच्छा, जो यहाँ पे आएंगे और इस तरीके की प्रथा बदलने की का प्रयास करेंगे वो खुद बदल जाएंगे और खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि बीजेपी जो है सबसे बड़ा वादा ये कर रही है कि देवभूमि में मंदिरों के विकास पे वो काम करेंगे, इस पे तो वोट पड़ सकता है ना? ये काम हमने पहले ही कर चुके हैं। पहले ही कर चुके हो? मोदी झूठ बोल रहे हैं फिर? हम पहले कर चुके हैं। अच्छा। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे धर्मांतरण का कानून 2007 में लाया गया। अच्छा। हिमाचल प्रदेश में मेरे पिताजी जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कॉर्पस फंड बनाया था जिसमें मंदिरों को करोड़ों रुपए दिए हैं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तारा देवी मंदिर, जो 20 करोड़ रुपए की लागत से उसका पुनर्निर्माण हुआ है। ऐसे सैकड़ों मंदिर है, तो ये फर्जी हिंदुत्व जो ये चलाते हैं, आपके काम पे ठप्पा लगा दिया बस। हाँ, ठप्पा लगा दिया है, पर यहाँ पे ये फर्जी हिंदुत्व नहीं चलेगा, यहाँ पे देवभूमि है और देवी देवताओं की। हिंदू हिंदू के नाम पे वोट तो पड़ता है ना, ये तो मानेंगे ना? तो हम क्या है, हम कोई मुसलमान है क्या? हम भी हिंदू हैं। देखिए ये बात इंटरेस्टिंग जनता है, ये आपको क्या कहते हैं, ये सारी बातें जो है विक्रमादित्य साहब ने बताई हैं, ठीक बोल रहे हैं? नहीं, 45 बार लिख के ले लो, पूरी केंद्र का नेतृत्व आ गया है आपके। जो मर्जी आता रहे, टिक्का साहब एक ही नाम गूंजेगा 8 को, टिक्का साहब। क्या बात है, सही बात कह रहे हैं सर? नहीं, बहुत सही बात है। प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं इसलिए तो नहीं कि समर्थन दिखा रहे हो? कहीं भी खड़ा कर दो, चांद पे खड़ा कर दो, टिक्का साहब के लिए चांद के। अरे वाह, आपके कार्यकर्ता तो एक नंबर है भाई साहब, ये बात तो है। देखिए ये आपको कांग्रेस पार्टी की ये जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको पूरी जो है चुनावी कवरेज में दिखाता रहा हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हैं। शर्मा जी, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं सारे सवर्ण, आप इकलौते कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हो? ये सिर्फ आपसे सुनने को मिल रहा कि सारे सवर्ण बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ। सवर्ण को अलग पार्टी बनानी पड़ी सिर्फ बीजेपी के कारण,
अच्छा। देवभूमि स्वर्ण समाज एक नई पार्टी का उदय हिमाचल में हुआ, उसका मूल कारण सिर्फ भाजपा था। अच्छा। तो अगर ये आप कह रहे तो ये गलत फहमी है। हाँ। और मैक्सिमम जो स्वर्ण समाज है वो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। फिर पिछली बार कैसे बनवा दी बीजेपी की सरकार? ये निश्चित तौर पर रिवाज जारी है हमें पहले का, हिमाचल का परमानेंट कार्यकर्ता फिर से आ रही है। परमानेंट कार्यकर्ता? अरे भाई आप पार्षद हूँ कांग्रेस का, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, मैं कांग्रेस पार्षद है ठीक। मैंने आपको पहले, आप कह रहे रिवाज, मैंने आपको पहले कहा कि हिमाचल का रिवाज जारी है भैया, कांग्रेस फिर से आ रही है। क्या क्या काम करवा दिया ये बताओ, काम क्या नहीं किया जनता तय करेगी पूरी तरह। वो तो मंच से प्रधानमंत्री तक से बुलवा रहे की हमने एम्स दिलवा दिया, प्रधानमंत्री से ना बुलवाइए ना, हम कह रहे की हिमाचल के विषय में विचार कीजिए, मुख्यमंत्री जी के विकास के नाम आपको एम्स एम्स मिल गया, फिर भी फाउंडेशन किसने रखी थी? ये फाउंडेशन किसने रखी थी? आप राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी थी एम्स की फाउंडेशन, बिल्कुल। बीजेपी वाले चुरा रहे हैं क्या आपका माल? ये तो हर बार चुराते हैं, वो हर बार चुराते हैं। एमपी मोदी कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, वो हाईलाइट कुछ नहीं है, मतलब काम क्या करे, क्या उन्होंने क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने बताइए, आप बताइए। देश देश विश्व गुरु बन रहा है, ऐसा है। अरे सुनिए भाई, ऐसा बताओ 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 ऐसा है, आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? संप्रेषकों का देश है। अगर 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 भाजपा, मोदी जी का पजामा भी नहीं पहनना आता था उनको, अगर भाजपा समर्थित सरकार ने विकास कार्य किए होते तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगने की आवश्यकता ना होती। आपके सीएम ने कुछ नहीं किया, सीएम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, 5 साल सत्तासीन रही है तो आपको मोदी जी के नाम पे वोट मांगने की आवश्यकता? अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप रोजगारी के नाम पे वोट मांगिए, आप महंगाई और बेरोजगारी के विषय में तो पक्ष नहीं रख रहे, सबके सामने व्यवस्था क्या है? मोदी जी ने किया, मोदी जी ने वो बड़ा बड़ा शेर पाला है, थोड़ा खर्चा तो करोगे? नहीं शेर नहीं पालने भाई, हमें राष्ट्र संभालना है, लोग पालना। जो आप ये सर्वे बता रहे हैं ना, ये सर्वे का सैंपल कैसे लेते हैं आप? सर मैं आप ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, सैंपल आप लोग हैं, साठ आठ कांग्रेस 60 बीजेपी, सैंपल दे दिया, सैंपल रिजल्ट दे दिया आपको। अरे कांग्रेस आ रही है, बिकाऊ मीडिया। भाजपा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ा सकती है, सामने उदाहरण खड़े हैं। एक मिनट सुनिए भैया, एससीबीटी के इंस्टीट्यूशन खोलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमान नरेंद्र अपने नड्डा जी थे, जेपी नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी यहाँ प्रभारी साहब आ गए, जेपी नड्डा जी इंस्टीट्यूशन खुलवाए, सभी लोगों को बोले हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, कुछ लोगों को, चंद लोगों को रोजगार मिला जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उनके माध्यम से एससीबीटी इंस्टीट्यूशन खुले, उसके बाद ये लोग बेचारे बेरोजगार दर दर भड़क आज दिन तक, आज तक आपको रोजगार नहीं मिल पाया। आगे सुनिए भाई, आगे सुनिए, ये लीकेज की सरकार है, ये लीकेज दूर करने के लिए एक अच्छे अच्छे कार्य, बीजेपी एमसी लेके अच्छे कार्यकर्ता। अरे बीजेपी एमसी नहीं, एमसी हम है भाई, अच्छा एमसी आप, एमसी हम। अरे सुनिए लीकेज आपके, हां जी बताइए लीकेज आपके सामने भाई, अरे प्रभारी साहब को बोल दो, कोई बात नहीं, स्थानीय विषय पे करेंगे लीकेज आपके सामने, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है देखो, सुनिए सुनिए कोई बात, लीकेज आपके सामने है, मोदी सरकार ने सिर्फ बेचा ही है, जो भी संपत्तियां बनी है 1947 से लेकर बेचा ही बेचा है आज तक। की बात कर रहे हैं एम्स, एम्स की फाउंडेशन जिसने रखी थी ना, जो इनके आज दोनों, एक राष्ट्राध्यक्ष है एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो उसका विरोध कर रहे थे उस जमीन पे, आज बोलते हैं कि हमने अपना एम्स, एम्स की भाई हम वो आदमी है जो हिमाचल के बनाने वाले हैं, हिमाचल का निर्माण करने वाले श्रद्धेय यशवंत सिंह परमार थे, उसका निर्माण करने, आखिरी सवाल, उसको संवारने वाले, भैया सुनिए, उसको संवारने वाले राजा वीरभद्र सिंह जी थे। ये वो सरकार है जो बेरोजगारी को बढ़ा रही है, महंगाई को बढ़ा रही है, जब कोई पेपर निकालते हैं तो उसमें लीकेज आ जाती है, 8-8 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है आपके सामने, वास्तविकता है। पकौड़े तलने का बोलते हैं युवाओं को, पकौड़े तलेंगे क्या? पकौड़े रोजगार नहीं है, नहीं कोई रोजगार नहीं है, क्यों, कहां से रोजगार है? अगर पकौड़े रोजगार है तो आप क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप भी चाहिए, अरे मुझे पकौड़े ही तलता है, अरे आपके मोदी जी बोल रहे थे ना कि गरीबी हटा देंगे, जब गरीबी हटा दिया उन्होंने तो गरीबी कहां से रहे? भाजपा रोजगार पे क्यों नहीं मांगती? उन्होंने कहा हम 2 करोड़ भैया सालाना देंगे, तो बोलिए हम 2 करोड़ दे चुके हैं कि नहीं दिए? 15 लाख पे बातें नहीं, बता 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 नहीं, नहीं नहीं, मीडिया वाले भी, अरे बता बता मोदी नहीं, अरे बता बोलो, पूरे इंडिया में एक मोदी थोड़ी है, मोदी के नाम पे वोट मांगे, कैंडिडेट आया वोट मांगे, मोदी इतना कोई पॉपुलर कैंडिडेट नहीं आ रहा बीजेपी वाले, हमने कहा अपने नाम पे वोट मांगे, जयराम जी के वोट, देखिए ऐसा सुनिए,
प्रभारी साहब को तो बोलने दो, मैं प्रभारी साहब की बोल सुनूंगा, गलत बात बोलिए आपका। ये बेवकूफ बनाने वाली जनता की पार्टी है। अच्छा, बीजेपी का मतलब ब्रिटिश समय में जो लोगों के चाटुकार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, वो बीजेपी ब्रिटिश जनता पार्टी है ये भैया, ब्रिटिश जनता पार्टी है। अच्छा आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आखिरी सवाल, विधायक जी अभी भी कांग्रेस के हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं पूरे एरिया में महिला सुरक्षा के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी हालात है, सच सच बताइएगा कि सुनिए 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 पूरा सवाल सुनिए पूरा सवाल सुनिए कि क्या आपकी सिस्टर मदर या बेटियां रात के 9 बजे के बाद घर से निकल पाती हैं? ऑनेस्टली बताना। देखिए ऐसा है, अगर पूरे प्रदेश की परिचर्चा करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे। आपके एरिया का बता। अरे मेरे सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ ना, पूरे प्रदेश की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। वो प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वर्तमान में अगर ग्रामीण का पक्ष रखना है तो ग्रामीण में पूरी तरह महिलाएं युवा सभी सुरक्षित है। जब जब कांग्रेस पार्टी आई कोई अराजकता का माहौल नहीं रहा, पूर्णतया सुरक्षा मिली है। वर्तमान में हमें सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पाया। माननीय विधायक जी के द्वारा सीसीटीवी कैमरे तक लगाए जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, शहरी निकायों में आपके सामने स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। जी सर बताइए। ऐसा देखो, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, बिजली नहीं थी, रोड नहीं थे, तो ये किसने बनाया? हमें पूछने के 70 साल में क्या किया? हमने यही किया। एक एक चाय पॉइंट बनाने वाले आदमी को अगर प्राइम मिनिस्टर बना सकती है तो वो कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस की बदौलत है। अगर उस समय अगर उस समय कांग्रेस ये सब चीजें ना लाती, एजुकेशन ना लाती, हेल्थ का सिस्टम ना लाती, ये इलेक्ट्रिक ना लाती है, तो ये कहाँ से आते ये लोग? अब हमसे पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया? हमने इसको इनको ये बोलने का हक दिया, कांग्रेस ने बोलने का हक दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए हिमाचल संवारने की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले नक्सल में कह दिया कि हिमाचल बनाने वाले भी हम हैं। हिमाचल मुस्लिम की बात करते हैं, इनसे पूछिए इनके जो जो दामाद हैं शाहनवाज जी और नकवी जी, वो दामाद किनके हैं? वो दामाद किनके हैं? वो भी तो बीजेपी के लीडरों के दामाद हैं। हमें हिंदू और मुस्लिम की बात बताते हैं, अपनी बेटियों को मुस्लिमों के साथ शादी की हुई है। हाँ जी बता दीजिए, बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलो। हाँ, सवाल बोलिए। जो बातचीत चल रही है महिलाओं सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के लिए, आप एक मिनट सुन लो, आपने रात को 10 बजे आना 11 बजे, हमारी महिला 11 बजे रात को चलती है, किस बेवकूफ ने बोला कि महिला सुरक्षित नहीं है? बताए जरा हमारे को। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं, ये किसने आपको ये बात किसने बताई है? आइए रात को 10 बजे। मुझे बताई नहीं है महिलाएं, नहीं सुनिए सुनिए, क्वेश्चन किया तो हम उत्तर दे रहे हैं, सुनिए सुनिए। देखिए देखिए, ये बात तो मानेंगे कि ना कि पूरे देश भर में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से थोड़ी नीचे है, ये बात तो मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन सुनिए 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 पूरी बात सुनिए, ये चीज का ये चीज पर ना मत बोलिएगा, ये चीज है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपके एरिया में आया हूँ तो मैं आप ही से तो जानूंगा कि यहाँ पे स्थिति बेहतर है कि खराब है। बेहतर है, बेहतर है, अगर कोई उसको नहीं बता रहा तो उसको सामने लाओ, हम बताते हैं 11 बजे लास्ट बस। यूपी से बलात्कार यूपी और गुजरात में होते हैं, तीसरे नंबर में आता है हरियाणा, हिमाचल इस लिस्ट में नहीं, आप निकालो सर्वे निकालना, हिंदुत्व पे नाम पे लड़ती है, बाकी और तो कुछ नहीं है इनके पास। यहाँ पे बैनर पड़ेंगे जितने भी आप बोल रहे हैं, मंदिरों को सवारेंगे तो तीर्थों को ऐसा करेंगे, तीर्थों के नाम से ना रोजगार मिलेगा, ना तीर्थ के नाम से महंगाई घटेगी, ना तीर्थ के नाम से जो महिलाएं हमारी सड़कों पे यूपी वगैरह में नहीं चल सकती और चल पाएगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये है हिमाचल की जनता का मूड, ये सीधा सीधा आपको अनकट दिखाया है। ये सवाल जो मेरे थे ये वही सवाल हैं जो नोएडा की मीडिया रोजाना आपको सुनाती है, और ये जनता का जवाब है, इसमें सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता तो नहीं है, है ना? हम इंडिपेंडेंट खड़े, आप इंडिपेंडेंट है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे आम जनता का भी यही विचार है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आपको क्या लगता है हिमाचल की राजनीति के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ शिमला से नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।